नमस्कार दोस्तों, एसएल गुरुजी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, आज जो मैं टोटका बताने जा रहा हूँ वह केवल और केवल बहनों के लिए बताने जा रहा हूँ, स्त्रियों के लिए बताने जा रहा हूँ। अगर करवा चौथ के दिन आप अपने पति को वशीभूत करना चाहते हैं तो कर लीजिए मात्र ये छोटा सा उपाय और हो जाएंगे पति आपके आपके वश में और आप जैसा चाहेंगे वह वैसा कार्य करेंगे। जी हाँ बहनों, आज आप जानते हैं सभी को बताने जाऊंगा कि आने वाले एक दो दिनों में करवा चौथ आने वाली है, तो करवा चौथ के दिन आप इस वशीकरण टोटके को करके अपने पति को आप अपने काबू में करना चाहते हैं। आपके पति शराब पी के आपसे मारपीट करते हैं या वे किसी अन्य स्त्री के संबंध में हैं या वे आपका कहना नहीं मानते, केवल और केवल अपने परिवार की सुनते हैं या लोगों की सुन के आपको गलत समझते हैं, आपके बारे में विचार गलत हैं, आपकी कोई भी बात अनसुनी करते हैं और ना ही आपसे इतना प्रेम करते हैं जितना आप उनके बारे में सोचते हैं, जितना आप प्रेम करते हैं। तो यह टोटका उन्हीं स्त्रियों की परेशानी को लेकर मैं लेके आया था और बहुत से मैसेज भी किए थे, गुरु जी आप करवा चौथ पे ही बता दीजिए कोई उपाय। तो करवा चौथ पे मैं बता रहा हूँ बहुत शक्तिशाली उपाय, सबके सामने कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि स्त्रियों को सबसे ज्यादा दिक्कत यही रहती है कि वह कोई भी प्रयोग करती हैं तो उनको यह दिक्कत आती रहती है कि गुरु जी हम किसी के सामने नहीं कर सकती, हमारी दिक्कत चल रही है, परिवार वाले क्या सोच देंगे, हमें कोई भी कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, कुछ एक तो बच्चे हैं और हमारे बच्चे भी देखते हैं। तो ये आप किसी के सामने कर सकते हैं, यहाँ तक अपने पति के सामने भी कर सकते हैं। लेकिन आपको छोटा सा उपाय, जब आप इलायची और लौंग अपने पति के फोटो के ऊपर से घुमाएं तब उस समय आप उनको ना पता चले, अन्य आप विधि उनके सामने कर सकते हैं। तो करना किस तरीके से, आगे बढ़ने से पहले मैं कहूंगा, अगर अब तक आपने हमारा एसएल गुरुजी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आगे चलकर हम आपको और भी टोटके में मंत्र बता पाए। तो सुनिए, ध्यान से सुनिए किस तरीके की करना है आपका प्रयोग। आपको सबसे पहले दो इलायची और दो लौंग की आवश्यकता है। एक आपको कलश जिसे आप जल चंद्रमा को अर्घ देंगे, व्रत खोलने के बाद आपको इस प्रयोग को करना है, रात्रि में करना है, करवा चौथ की रात्रि को। तो आपको एक करवा ले लेना है, इस करवे को आपको अपने सामने रख लेना है और अपने पति की तस्वीर रखनी है। सबसे पहले आपको दिशा, आप चंद्रमा की तरफ मुख करके बैठे, जिस दिशा में चंद्रमा होगा उसी दिशा में बैठे आप, कोशिश यही करें और अपने पति को याद करें। अगर वो आपके पास है तो अच्छी बात है, घर परिवार के लोगों के सामने कर सकते हैं, आप कह सकते हैं ये एक पूजा की कड़ी है, ये नहीं बताएं कि मैं वशीकरण करूं। इस तरीके से जो पूजा में कार्य करता है कपूर आपको लेना है, वह कलश के अंदर जलता हुआ डाल देना है और अपने पति की, मान लीजिए आपके पति की तस्वीर, उसके ऊपर से सात बार लोग को घुमाना है घुमाना है और इसके अंदर डाल देना। इसी तरीके से दो इलायची लेनी है, वह इसके ऊपर से तस्वीर के, मान लीजिए अपने पति के, सात बार घुमाना है और इसके अंदर डाल दीजिए और जो पूजा की थाली है उसके अंदर इसको रख लेना है। रख कर मंत्र का जाप करते हुए, जितने तक ये समाप्त ना हो मंत्र का जाप करते हुए आपको अपने घर में और अपने बेडरूम में इसे घुमाना है, बेझिझक सबके सामने आप इसे कर सकते हैं। और जिनके पति उनसे दूर है, वे अपने ससुराल में है तो वैसे करें, अपने पति की तस्वीर के चारों ओर सात चक्कर निकालें। आपको अपने बेडरूम के सात चक्कर निकालने, अगर नहीं है तो आप अपने पति की तस्वीर के सात चक्कर निकालें, मंत्र ये बोलते हुए सात बारी मंत्र का जाप करें, ओम री ओ शोभ्य भगवती तव स्वाहा। इसका आप जाप करें जो स्क्रीन पर शो हुआ था, जाप करते रहें और अपने पति के साथ चक्कर तस्वीर के निकाल के सात बार मंत्र का बोले और उसके बाद उसके सामने बैठ के चंद्रमा को अर्घ देते हुए, दे दिया है तो उनको निर्धारित करते हैं, उनसे इच्छा मांगते हैं, इस मंत्र का 101 बार और जाप कर ली। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका पति आपकी हर बात मानेगा और अनंत प्यार करेगा। अगर वह गलत रास्ते पे है, शराब पी रहा है, परेशान करता है तो वह सब भी चीजें दूर हो जाएगी। और किसी कारणवश मित्रों आप इस कार्य को करने में विफल रहते हैं, इसके बारे में ज्यादा जानकर चाहते हैं, मुझे कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर सबसे ऊपर दिए गए। साथ में आपसे इजाजत चाहता हूँ, धन्यवाद।